16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर अभिमन्यु आखिर किसके अवतार थे? कहते हैं कि अभिमन्यु ने सिर्फ 16 साल के लिए ही धरती पर जन्म लिया था, तो आखिर ऐसा क्यों था कि अभिमन्यु ने सिर्फ 16 साल के लिए ही धरती पर अवतार लिया था, और किसके अवतार थे अभिमन्यु, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अभिमन्यु के अवतार के रहस्य के बारे में। अभिमन्यु एक ऐसा वीर योद्धा था जिसने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वह अपने चाचा के साथ अपने पिता की जगह पर युद्ध भूमि में खड़ा हो गया और शान से अपने आप को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। महाभारत का महावीर योद्धा अभिमन्यु, जिसने अकेले ही महायुद्ध में कौरवों के तरफ के महारथियों को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के बीच में एक रहस्य है। इसके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा होना और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करना एक रहस्य ही नहीं बल्कि एक महारहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस महारहस्य के बारे में। दरअसल कहते हैं कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता ने उनकी मृत्यु तय कर दी थी। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने ऐसा कैसे किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो सिर्फ 16 वर्ष के लिए अभिमन्यु के पिता बने थे। इनके पिता कोई और नहीं बल्कि स्वयं चंद्रदेव थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेने वाले थे, तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। तभी देवी देवता राजी हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वे अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए आदेश दे। जी हाँ, आपने सही सुना। अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि चंद्रदेव के पुत्र वर्चा थे। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के निवेदन करने पर चंद्रदेव ने कहा वह सिर्फ मात्र 16 वर्ष के लिए ही अपने पुत्र को धरती पर भेज सकते हैं, उसके बाद वह वापस उनके पास आ जाएंगे। चंद्रदेव का यही पुत्र वर्चा अभिमन्यु बना। चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 वर्ष तय निहित की थी, इसीलिए अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गए थे। लेकिन जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, उस वक्त सुभद्रा को नींद आ गई, जिसकी वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत के दौरान चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए जब भी अभिमन्यु ने अर्जुन या श्री कृष्ण से चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता जानने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला द्वारा इसे टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ और चंद्रवंशी अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पिता चंद्रमा के पास वापस लौट गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्जुन तो इंद्र के पुत्र थे तो अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो आप उसे यह बता सकते हैं कि अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि चंद्रदेव के पुत्र वर्चा के अवतार थे।